हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अभी आप फोर्थ से फिफ्थ क्लास में आए हैं और आशा करती हूँ आप घर में कुशल पूर्वक होंगे और अभी आपको लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। घर में रह रहे हैं लेकिन आपको अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। तो आइए, अब आपका कक्षा पाँच का पहला पाठ है आपकी पाठ्य पुस्तक का, उठो लाल अब आंखें खोलो, जो एक कविता है और मैं इसको आपको समझा रही हूँ। इस कविता में एक माँ अपने बच्चे को नींद से जगाते हुए कह रही है, हे मेरे लाल, मेरे बेटे, सुबह हो चुकी है, अब तुम नींद से उठ जाओ और मैं जो पानी लाई हूँ तुम उठो और मुंह धो लो, क्योंकि रात बीत चुकी है और कमल के फूल भी खिल गए हैं और उनके ऊपर भोरे जो हैं मदमस्त होकर गाना गा रहे हैं, तथा पेड़ों पर चिड़िया चहचहाने लगी हैं और बहुत ही सुंदर प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, तथा आकाश में सूरज उगाया है जिसके कारण सारे में जो है लाली छा गई है और उसकी जो छटा है बहुत ही अनोखी हो गई है। सुबह हो चुकी है जिसके कारण सूर्य की जो छाया है वो पानी में पड़ रही है, जल में पड़ रही है, उसके कारण जल का रंग भी सुनहरा हो गया है। चारों तरफ नन्ही नन्ही सूरज की किरणें आ गई हैं, चारों तरफ फूल खिल गए हैं और जो हैं कलियां मुस्काने लगी हैं। इसलिए हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने सुंदर समय को मत खो, उठ जाओ और इस प्यारे से समय का आनंद उठाओ। तो ये आपकी पहली कविता थी जो PDF के द्वारा आपके पास पहुंच चुकी होगी। इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी क्वेश्चन आंसर की, जो आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। धन्यवाद।